सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। G20 सम्मेलन में भारत के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। 2022 में G20 सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना में जापान, अमेरिका और भारत की पहली बार हुई त्रिपक्षीय मुलाकात के दौरान एक नया नारा भी दिया था। मोदी ने जय का नारा दिया था, जय यानी JAI, जापान, अमेरिका, इंडिया। उनके मुताबिक जय का मतलब सफलता। पीएम मोदी ने कहा कि तीनों देश मिलकर विश्व शांति और समृद्धि को बनाए रखेंगे। और ये भी खुशी की बात है, अगर मैं इसको एक अलग एक्रोनॉमी में बोलूं, तो जापान, अमेरिका, इंडिया, JAI, इसका भारत के अंदर मतलब होता है जय। जय का मतलब होता है सक्सेस। तो एक प्रकार से ये JAI ये सक्सेस का मैसेज लेकर के आज हम एक शुभ शुरुआत कर रहे हैं। और ये हमारी व्यवस्था, मैं मानता हूं कि विश्व शांति के लिए, विश्व समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 में G20 सम्मेलन की प्रस्तावित मेजबानी कर रही इटली से हमने विनती की थी, जिसे इटली ने मान लिया है। अब 2021 के बजाय भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन 2022 में होगा। इसके लिए मैं सभी देशों का शुक्रगुजार हूं और विश्व के सभी देशों को 2022 में भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर अनौपचारिक बातचीत हुई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी मुलाकात की। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।